हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट्स में हमने फ्राइडे एक देखा रुझान जहां पे डाओ काफ़ी डाउन था, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, मोर देन 500 पॉइंट्स। नैसडेक हल्का थोड़ा सा फ्लैट सा नेगेटिव था, S&P 500 भी नेगेटिव था, बट रसल 2000 विच इज़ मोर ऑफ अ मिड एंड स्मॉल कैप, वहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग आई। तो एक मिला जुला सा यूएस मार्केट था। यही वरी है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो अच्छे खासे नंबर से बढ़ रहे हैं। एवरी वन एंड हाफ टू थर्ड डे, डिपेंडिंग अपॉन दी कंट्रीज, वहाँ पे केसेस डबल हो रहे हैं। इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो इट इज़ मोर देन नाउ 125-130 केसेस। सो यहाँ पे लोगों को जो फियर है वो ज़्यादा है, फैलता ज़्यादा है इम्पैक्ट। इवन दो अगर इतना ज़्यादा नहीं हो, बट इट इज़ इफ़ेक्ट कर रहा है कि ना इसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे कितना हो सकता है, जिसके वजह से मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है। एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो एशियन मार्केट्स अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 6:30-7 o'clock थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव थे। अब धीरे धीरे वीकनेस वो बढ़ रही है। हैंसेंग विच वॉज डाउन जस्ट 50 पॉइंट्स विच इज़ नाउ मोर देन 100 पॉइंट्स डाउन। निकाय भी मोर देन 300 पॉइंट्स डाउन है। शांघाई विच वॉज पॉजिटिव अब वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। एसजेक्स निफ्टी भी करीबन 75 पॉइंट्स डाउन था एट अराउंड 7:15, नाउ इट्स डाउन मोर देन 100 पॉइंट्स एंड इट इज़ शोइंग अ कट टूवर्ड्स 18,800 के आसपास। सो अभी 18,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है और जो इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 16,800 के आसपास है, विच वॉज इंट्राडे लो फ्यू डेज ऑफ couple of weeks back which was 16,785 के आसपास। तो sentiment weakness काफ़ी ज़्यादा है, वही दर्शा रहा है put call ratio में। put call ratio 0.8 पे ट्रेड कर रहा है which is showing a oversold territory, but it can remain oversold for a quite a bit of time। आज खुलते ही put call ratio could trade at around 0.7-0.75। तो यस, इंट्राडे रिकवरी आ सकती है, बट एवरी राइज यू विल सी द सेलिंग प्रेशर कमिंग ऑन इन अ बिग वे। सो इस पर भी हम ज़्यादा बात करेंगे, बट हम देख लेते बाकी इंडाइसेस। ब्रेंट क्रूड की हम बात करें तो अब वो $72 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 74 से 72 आ चुका है। गोल्ड स्टेबल है एट अराउंड $1,800 पर आउंस। रुपी फ्लैट क्लोज हुआ ऑन फ्राइडे, सो इट क्लोज एट 76.08। 10-year G-Sec वहाँ पे वीकनेस हमने फाइन देखी है विच इज़ पुटिंग प्रेशर ऑफ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। सो ये 6.41 पे आया हुआ है। सो बॉन्ड्स में भी हमने बिकवाली देखी है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द इन्फ्लेशन विच इज़ देयर। FII की हम नंबर की बात करें तो उन्होंने फ्राइडे के दिन 2,000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने बिकवाली की है और उसके सामने DII की खरीदारी 1478 करोड़ की रही है। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी जैसे मैंने कहा 16,800 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल, उसके नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। अगर वो होता है तो जैसे हम 16,500 की तरफ बढ़ते रहेंगे और 16,500 के बाद द नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी एट अराउंड 300 पॉइंट्स लोअर विच इज़ अराउंड 16,200 से लेके 150। सो डाउनसाइड अराउंड 5-6% है इमीडिएट टर्म में और रेजिस्टेंस हर एक 0.5-1% के ऊपर अगर आपको रेजिस्टेंस दिखती रहेगी। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 17,150, 17,000 के आसपास ये क्लोज हुआ है। इसके बाद 17,300, देन 17,450, 500 के आसपास और 17,600। सो देर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑन दी अपसाइड, बट दी डाउनसाइड गैप इज ऑलमोस्ट लाइक अ 300 पॉइंट्स लोअर। सो वीकनेस वो जारी रहेगा। आज हमने ये भी देखा जो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है उन्होंने प्राइम रेट अपना 0.05 बेसिस पॉइंट से कम किया है, सो 3.8 पे लेके आए हैं वो। एडवांस टैक्स इंडिया की हम बात करें तो वहाँ पे एक अच्छी खासी हमने ग्रोथ देखी 53% से और अब वो आ चुका है 4.59 लाख करोड़ पे इन द थर्ड क्वार्टर। सो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग लास्ट ईयर हमने लॉकडाउन बहुत ज़्यादा देखा था और इस टाइम हमने लॉकडाउन उस तरीके से नहीं देखा।
यस, इन जहाँ पे भी केसेस ज़्यादा थे वहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन हमने देखा, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, बट देर वॉज नॉट अ कम्प्लीट लॉकडाउन. सो द बेस वॉज लो एंड हैंस द एडवांस टैक्स कलेक्शन इज ह्यूज, विच वी कैन सी इन द परसेंटेज टर्म्स. बात करें और एक चीज़ जो सेंटर कंसिडर कर रहा है, विच इज़ अ गवर्नमेंट, वो कंसिडर कर रहा है PSU बैंक्स में स्टेक कम करने की बात चल रही है, जहाँ पे वो 51% से ये प्रपोजल है, डिस्कशन है टू ब्रिंग इट डाउन टू 26%, और प्राइवेट एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो ये भी एक डिस्कशन है जिसकी वजह से हम PSU स्टॉक्स में हर बार बार हम वहाँ पे इंटरेस्ट देखते हुए हम चल रहे हैं. बात करें अभी स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में हमने देखा फ्राइडे के दिन मेरा क्लियर कट मैसेज था कि हमें डिफेंसिव स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में फोकस करना चाहिए, जहाँ पे रुपी वीकनेस के वजह से ये कंपनी ये सेक्टर बेनिफिट कर सकता है. और IT स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, इवन दो मार्केट काफ़ी डाउन था, एक ही इंडाइज जो होल्ड कर रहा था वॉज दी IT सेक्टर, एंड अलॉन्ग विद दैट सर्टेन टेक्सटाइल स्टॉक्स डिड वेल. तो ये एक अदर सेक्टर है. फार्मा, फार्मा उतना सपोर्ट नहीं किया, बट यस मुझे लगता है यहाँ पे भी धीरे धीरे आपको खरीदारी करनी चाहिए. उसके साथ साथ FMCG भी एक आउटलाइनर, एक सेक्टर हो सकता है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो ऐसे वॉलेटाइल या नेगेटिव मार्केट में. तो आज भी वही रहेगा फोकस हमारा, जैसे कि TCS इन्फोसिस ऑन द लार्ज कैप साइड, HCL टेक इन द मिड कैप साइड, एंड इन केस ऑफ द स्मॉल कैप और यू कुड से एज पर द मार्केट कैप हम L&T इन्फोटेक देख सकते हैं, कोफोर्ट्स देख सकते हैं. ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि इस वीकनेस में मार्केट को होल्ड कर सकता है. साथ साथ हम देखेंगे कि सरला परफॉर्मेंस ने फ्राइडे के दिन एक नया 52 वीक हाई बनाया था, करीबन 63-63-50 के आसपास. सॉरी, थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन थोड़ी वीकनेस आई, बट मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम रह सकता है. फिलाटेक्स इंडिया फ्राइडे के दिन नेगेटिव मार्केट में भी इट क्लोज 2-2.5% पॉजिटिव एट अराउंड 98 रुपीज़, तो यहाँ पे भी रहेगा. अरविंद लिमिटेड, इवन दो इट फेल ऑन फ्राइडे, मुझे लगता है ये स्टॉक्स और बाकी बहुत सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स है, सेंचुरी टेक्सटाइल हो गया, और भी बाकी वर्धमान टेक्सटाइल्स हो गए, ये भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो कि टेक्सटाइल्स सेक्टर में पार्ट होता है. तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बना के रखना चाहिए. और मेरा मानना है अब जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने कहा था 17,300 में आपको 25% डिप्लॉय करना चाहिए, बिलो 17,000 और थोड़ा डिप्लॉय करना चाहिए, 16,500 में और आपको डिप्लॉय करना चाहिए, मोर और लेस आपका 16,500 से लेके 16,200 पे आपको मोर लेस आपकी इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, विच यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जहाँ पे हमने एक कोई करेक्शन नहीं देखा इन लास्ट 1-1.5 ईयर ऑफ मोर देन 10%. सो 10% हमने अच्छी खासी करेक्शन हम देख रहे हैं. क्या ये बेयर मार्केट है? मुझे नहीं लगता. PE रेशियो 24 के बिलो चल रहा है, अर्निंग सीजन आने वाली है जनवरी में, जनवरी से किकिंग होगा, तो मेरे को लगता है ये PE रेशियो भी और भी नीचे आ सकता है एट अराउंड 21-22. सो बेसिकली इस फियर में हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव होके हर बार कोशिश करनी चाहिए कि हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें. बार बार हम 18,000 पे, जब ये करेक्शन नहीं हो रहा था तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट, अब जब करेक्शन हो रहा है नोबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एवरीबडी इज थिंकिंग मोर एंड मोर करेक्शन कैन हैपन. येस इट कैन हैपन, बट आपको धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए. साथ साथ सिर्फ फोकस कीजिए क्वालिटी स्टॉक्स में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जितना आप दूर रहोगे, जहाँ पे हाई बीटा स्टॉक्स है उससे आप थोड़ा दूर रहिए और फोकस कीजिए हाई क्वालिटी स्टॉक्स में. यही फोकस रहेगा ओवर द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स टाइम, जो आपके पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकता है ऑन द डाउन साइड. सो मैसेज बहुत ही क्लियर है कि वीकनेस है, पुट कॉल रेशियो सजेस्ट कर रहा है ज़्यादा ओवरसोल्ड, और आज के वीकनेस के बाद ये 0.7 के आसपास ये ट्रेड करेगा तो इंट्राडे रिकवरी हो सकती है, बट एट अराउंड 17,000 और उसके बाद 17,100 से लेके 150 रेजिस्टेंस काफ़ी रहेंगे, और हर 100-200 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा. आपको अपना
अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए कि किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड है. हाई बीटा स्टॉक्स लाइक ए बैंकिंग कुड बी अंडर प्रेशर, फोकस शुड बी ऑन द डिफेंसिव. द मैसेज इज़ वेरी क्लियर. तो ये आप देख के चलिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए. और अगर आपके कोई फीडबैक्स हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन दी व्हाट्सएप नंबर. सो थैंक यू सो मच.